नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को विवादित ढांचे की 2.77 एकड़ जमीन दी तो वहीं मुस्लिम पक्ष को इसके बदले में वैकल्पिक रूप में 5 एकड़ जमीन दी गई। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर जमीन आवंटन करने की बात भी कही है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले के बाद भारत में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संतुलित प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने फैसले को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया ने एक बार फिर से अतिवादी भारत का असली चेहरा देख लिया है। 5 अगस्त को कश्मीर का भारत ने संवैधानिक दर्जा खत्म किया और आज बाबरी मस्जिद पर फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दूसरे धर्म का आदर करते हुए गुरु नानक के सेवकों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। वहीं रेडियो पर पाकिस्तान पर अयोध्या के फैसले पर बोलते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इससे मोदी सरकार की कट्टरता झलकती है। कुरैशी ने इस पर भी हैरानी जताई कि जिस दिन करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया उसी दिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला क्यों सुनाया। कुरैशी ने कहा कि भारत में मुसलमान पहले से ही दबाव में है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और दबाव उन पर बढ़ेगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि वह देश जो अपने देश के नागरिकों के धर्मों का सम्मान नहीं करता, वो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बिहारी न्यूज को। धन्यवाद।